एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों दिल्ली की 70 सीटों के लिए महा एग्जिट पोल सामने आ चुका है, क्योंकि एक नहीं कई बड़े न्यूज चैनल ने अपना एग्जिट पोल दिया है। इन न्यूज चैनल के दम पर किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, आपको बहुत सटीक यहां पर विश्लेषण और विशेष यहां पर कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के आपने देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 70 सीटों के लिए आज तक यानी एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है, इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है, उसके अनुसार 59 से 68 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। 67 सीट के पार का जो नारा था उसके पार जा रही है यहाँ पर आम आदमी पार्टी। इस न्यूज चैनल के अनुसार इससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें इन चैनल का एग्जिट पोल सटीक बैठा है। देखिए बीजेपी 211 सीटों पर सिमट रही है। जो बीजेपी की रैलियां थी कहीं ना कहीं उसका फायदा दिखता नहीं है, और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल रहा है, लेकिन 406 सीटें अन्य के खाते में दिखा रही है। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला एग्जिट पोल सामने आ रहा है, क्योंकि 406 सीटें अन्य के खाते में यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब कौन होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा एबीपी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल लिया उसके आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। 5 से 19 सीटों पर बीजेपी सिमट रही है, सरकार बनाने से काफी पीछे है। 49 से 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस को 0 से 4 सीट यहां पर आ सकती है। ये दिल्ली के लिए एबीपी न्यूज ने नया यहां पर एग्जिट पोल दिया जो कि वोटिंग के बाद यहां पर सामने आ रहा है। इसके अलावा यहां पर इंडिया टुडे का जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार 47 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी 23 सीटों पर, तो कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा जन की वार्ता एग्जिट पोल भी आपको दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी 55 सीटों पर आ सकती है, बीजेपी 15, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, अन्य का खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसरो का एग्जिट पोल, आम आदमी पार्टी 54, बीजेपी 15, कांग्रेस के सिम 1 सीट आ सकती है। आपको कई बड़े निश्चय का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। इसके अलावा टाइम नाउ का एग्जिट पोल भी आपको दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी 47 सीटें, बीजेपी 23 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। एबीपी सी वोटर का भी सर्वे आपको दिखा चुके हैं। पब्लिक टीवी यानी जन की बात का अगर बात करें तो 48-61 सीटें। टीवी 9 भारतवर्ष का जो यहां पर एग्जिट पोल है, 54 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए, 15 सीटों पर बीजेपी, तो 1 सीट कांग्रेस के सीमा जा सकती है। इसके अलावा कई बड़े निश्चयों का आपको एग्जिट पोल दिखाया है, लेकिन पोल ऑफ पोल का एग्जिट पोल भी आपको दिखा देते हैं, जो कि यहां पर 53 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं, डाउन हो सकती है कुछ सीटें। और यहां पर अगर डाउन होती है, जो आंकड़ा बन रहा है, अगर सीटें जो है 14 सीटें यहां पर नीचे चली जाती है तो फिर नुकसान होने वाला है। इसके अलावा बीजेपी को 16 सीटें और 13 सीटें इसमें ऐड हो सकती हैं। ये यहां पर एग्जिट पोल जो यहां पर बड़ा एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है, कांग्रेस के सेम है, 1 सीट या 1 सीट यहां पर प्लस हो सकती है। तो ये दिल्ली की 70 सीटों के लिए कई बड़े निश्चय का एग्जिट पोल दिखाया है। फिर भी आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल है, 11 फरवरी को ही फाइनल रिजल्ट मिलने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको क्या लगता है दिल्ली में अब की बार किस प्रकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।